अभी हम इनका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू पंचन सरपंच ने तो ही वोट छोड़ी थी। फिलहाल यहाँ पर एक भाई मिला मुझसे। भाई आपका नाम क्या है? तो जो ये 2023 साल था मेरे लिए। Assalamualaikum, welcome back to my new fresh vlog. I hope आप सब लोग ठीक हो गए, अच्छे से हो गए और बिल्कुल मजे में हो गए। अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, या Facebook पेज पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर करना, क्योंकि 10K होने वाला है। थैंक यू। तो अभी मैं निकल पड़ा श्रीनगर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा कुछ काम है, वो निपटा कर आते हैं और वहीं से घूमने भी जाएंगे। सो लेट्स मूव। गेस व्हाट कि मेरे साथ कौन है आज? मेरे साथ हिलाल भाई है। तो आज बहुत ज़्यादा है, अभी 9 बज गए, तो निकल पड़ा मैं घर से। आज 10-15 दिन के बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो जो ये 2023 साल था मेरे लिए बहुत टफ था। इसमें मुझे क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या बिहेवियर आया, इसमें कौन सी दिक्कत आई, वो मुझे पता है। बट लाइफ का सबसे वर्स्ट साल 2023 था मेरे लिए, उसी के कारण ना मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाया। तो बहुत कुछ देखने को मिला, लाइफ का एक्सपीरियंस इसमें मुझे देखने को मिला, क्या क्या चीज़ मुझे, मतलब कौन सी दिक्कत आई, सब कुछ इससे मुझे लड़ना पड़ा लाइफ में। तो मुझे लगता है लाइफ का सबसे वर्स्ट साल था मेरे लिए। तो क्या ही कर सकते हैं, अभी कुछ ही दिन है, तो अब ये 2024 का साल आने वाला है। अब दुआओं में याद रखना कि ये मेरे लिए बेस्ट होना चाहिए, इंशाल्लाह बेस्ट ही होगा। तो फिलहाल चलते हैं, जल्द से जल्द मिलते हैं श्रीनगर में डायरेक्ट। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुका मेन मार्केट में। तो हिलाल भाई जो मैंने आपको बोला था कि वो मुझे इंतजार करता है, तो फाइनली मिल गया हिलाल भाई। तो यहाँ है हिलाल भाई, तो अभी हम यहाँ से गाड़ी में चढ़ते हैं और निकलते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हम श्रीनगर। तो हिलाल भाई ने बोला कि पहले हम वी मॉल पे चलते। आजकल वैसे वहाँ पर कुछ कपड़े पसंद नहीं आते हैं, तो फिर भी चलते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा खासा अगर मिलेगा तो लाएंगे। चलो चलते हैं। सो गाइस अभी पूछा हम विमान जहांगीर चौक, और अभी हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या सीन रहेगा आगे। सो वीडियो में बने रहिएगा। वो नहीं है यहाँ पर यार, मुझे पता है ना। चलो इस साइड से आओ, इस साइड से, इस साइड से, इधर आ इधर। हिलाल ये ठीक है, लेकिन ये आज आम हो चुका है, सब लोग पहनते हैं ना। दिस लुक्स कॉमन यार। बट नहीं यार, सब लोग पहनते हैं ना ये, इसलिए यार। मुझे पहले ही पता था कि जो हमें लेना है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आजकल मतलब न्यू आया है, ट्रेंडिंग में है इस टाइम, तो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं एक शोरूम पे, वो अच्छा खासा शोरूम है, देखते हैं वहाँ मिलेगा या नहीं। चलो तो वीमार्ट से निकल चुके हम, सीधे आ गए हम यहाँ पर घंटाघर के पास। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो क्लिप्स उठाते हैं और देखते हैं क्या करेंगे, मस्ती थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे कहीं। तो उसके बाद कहाँ जाएंगे यार, तो सीधे आगे देखो पहले यार। हाँ, लेकिन सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है यार, टंगमर्ग से ज़्यादा सर्दी श्रीनगर में है। आज क्राउड बहुत कम है यहाँ पर, आज मजा आएगा वीडियो उठाने में। अभी हम इनका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू पहले मेरी मासी का इंटरव्यू लेते हैं, फिर मेरे मासेरा भाई का, और फिर मेरी बहन का इंटरव्यू लेते हैं। चलो पहले मेरी मासी का। हेलो, ये ट्रैक गज खैसे में से रोई हे हूं ये चगवा तो दे हसले मन मन इनके ग्रहण नहीं मन ये मन का ग्रहण नहीं मन तो चारा भाषण पे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो काफी मजा आया यहाँ पर, अभी हम चाय पीते हैं क्योंकि
अभी सर्दी है इस टाइम, सर्दी में लिप्टन चाय का अलग ही मजा है। तो चलो फिर चलते हैं चाय पीने फिलहाल। मैं बम्बई गया था उस टाइम, मैंने बहुत ज्यादा मैंने सीखा है, बहुत कुछ देखने को मिला। और मैंने ये भी पूछा है बहुत लोगों से कि भाई आप कश्मीर आए हो कभी, वहाँ पर कैसा मजा है, तो क्या सुना है कश्मीर के बारे में। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पर हालात सही नहीं है, टूरिस्टों के साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं किया जाता है। आज उसी के लिए आपको प्रूफ देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो अभी हम एक टूरिस्ट से बात करवाऊंगा जो कश्मीर में इस टाइम है, उन्हीं से बात करवाऊंगा, तो उसी से आपको पता चलेगा कि भाई कश्मीर में कैसे लोग है। ये सब कुछ जो बोलते है ना, ये लोग सब कुछ मतलब बकवास है यार, फ्रॉड है यार, सब कुछ ऐसे लोग है कश्मीर में यार, आप हमेशा के लिए इसकी तारीफ करोगे इंशाल्लाह, हमेशा के लिए। तो अभी मैं आपको सीधे बात करवाऊंगा जो बाहर के लोग आए यहाँ पर टूरिस्ट, उन्हीं के साथ आपको मैं बात करवाऊंगा, तो देन आपको खुद पता चलेगा, है ना हिलाल भाई? सही बात है ना। So guys, अभी हम जाएंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे जो बाहर से टूरिस्ट आए यहाँ। ये बहुत ज्यादा दुख रहा मुझे, क्योंकि यार मतलब बेफजूल यार, ये झूठ क्यों कहते हो आप यार, ये मत किया करो यार, ऐसे ही आप बोलते हैं कि भाई ये है वो है कश्मीर में। यार कश्मीर में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है कश्मीर में यार, ये सब कुछ ना यार, फ्रॉड यार। अभी मैं आपको सीधे बात करवाऊंगा ना। फिलहाल यहाँ पर एक भाई मिला मुझसे, भाई आपका नाम क्या है? किरण जी, इसका नाम है भाई, कहाँ से आप? उड़ीसा से ब्लॉग रखा है। दोस्तों क्या हाल चाल है यार, अभी ये 2 घंटों के बाद फिर से शूट हो रहा है, कैमरा की बैटरी जो है ना वो 1% है, तो उससे मैं व्लॉग बना रहा हूँ इस टाइम। बहुत जगह पर गए हम, काफी एंजॉय किया, खाना शाना अच्छे से खाया हमने। भी हम कहीं पर जाएंगे वहाँ पर कैमरा चार्ज करेंगे और जन उस